अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन. स्टूडेंट्स, आई एम योर आर्ट्स टीचर तुबा अमीर. टुडेज़ टॉपिक इज़ ड्रा एंड इंक पॉट एंड कलर इट. आज हमने क्या ड्रॉ करना है? इंक पॉट, फिर हमने उसमें इंक कलर करनी है. एक बार हम इंक पॉट की शेप देख लेते हैं. इंक पॉट कहते हैं जिसमें हम इंक को सेव रखते हैं. एक ऐसी पॉट, एक ऐसी बॉटल जिसमें हम इंक को सेव करते हैं, ठीक है, जिससे वो बाहर नहीं गिरती ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं इंक पॉट. और ये डिफरेंट कलर्स में होती है. इंक रेड कलर में भी हो सकती है, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, किसी भी कलर में इंक हो सकती है, ठीक है. अब एक बार हम इसकी शेप देख लेते हैं. अब इस शेप की कितनी डायमेंशन है? 1, 2, 3, ठीक है. अब इसके थ्री साइड्स जो हमें नज़र आ रही हैं, इसलिए ये 3D शेप है इसकी, ठीक है. और इसके अलावा कौन कौन से कलर यूज़ किए हैं? कलर तो आप डिफरेंट कर सकते हैं. और हमने सबसे पहले क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है और राइट साइड पे जो एंगल ड्रॉ करना है वही एंगल लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करना है, ठीक है. जो हमने नीचे एंगल ड्रॉ किया है सेम एज इट इज़ हमने ऊपर भी वही एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है. और जो लेफ्ट साइड पे एंगल जो हमने नीचे ड्रॉ किया था वही यहाँ पे करेंगे, ठीक है. और इसके अलावा ये वाली शेप जो है इसके अकॉर्डिंग आएगी, और ये वाली जो है एंगल इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है. इसके ऊपर कैप ड्रॉ कर लेंगे. लेट्स सी कैसे ड्रॉ करना है. स्टूडेंट, यहाँ हम स्केल यूज़ करेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए. इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर हमने कैप ड्रॉ करना है, तो दोनों साइड को हम राउंड शेप दे देंगे, ठीक है. और जैसे राउंड शेप ऊपर की साइड पे हमने दिया है वो थोड़ा नीचे भी दे देंगे, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है. और इसके बाद स्केल यूज़ करना है, ठीक है. कुछ लाइंस होती हैं जो हम स्केल से ड्रॉ करते हैं और कुछ होती हैं जो हम फ्री हैंड यूज़ करते हैं. अब इन दोनों को हमने इक्वल करना है. एक लाइन जो लेफ्ट साइड पर वो थोड़ा सा ठीक नहीं थी, इसलिए हमने दोबारा से इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है. दोबारा से ड्रॉ करने के बाद हमने एक डॉट लगाना है जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ तक इसको लाइन को एक्सटेंड करना है, ठीक है. इस एंगल पे हमने इस तरह से कर लिया है, और राइट साइड पे भी हम वैसे ही एंगल से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर किया था वही एंगल हमने नीचे यूज़ करना है. जो एक्स्ट्रा लाइन जो एक्सटेंड हो चुकी हुई है हम उसको बाद में इरेज कर लेंगे, ठीक है. फिर हमने जो एजेस हैं उसको थोड़ा सा राउंड शेप देना है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल ऐसे ही शेप नहीं छोड़ सकते, ठीक है. और ये जो बॉटल है प्रॉपर इसको शेप देने के लिए इसको राउंड दे देंगे एजेस को. इस तरह से कैप में लाइनिंग डालेंगे जिसे हम पकड़ के इसे खोलते और बंद करते हैं, ठीक है. और साइड पे हमें एक लोगो दे देंगे इंक पॉट का, और इसे नीट कर लेंगे. बाकी एरिया सारा इरेज कर देंगे, ठीक है. और आप अपने अकॉर्डिंगली इजीली इसमें कलर कर सकते हैं, जैसे चाहे कलर करें आप. बस ये ध्यान रहे कि आपकी पेंसिल जो है कलर पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और कलर आपके बाहर नहीं निकलने चाहिए, ठीक है. अपनी चॉइस के भी कोई भी कलर आप इजीली कर सकते हैं इसमें, ठीक है. इस तरह से हमारी इंक पॉट ड्रा हो जाएगी और इसमें कलर भी हो जाएंगे. स्टूडेंट, आई होप यू आपको ड्रा करना आ गई होगी. इंक पॉट कैसे ड्रा करते हैं आपने भी होमवर्क में ऐसे ड्रा करनी है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.